जब से मिस्टर बीस्ट वगैरह हुआ था तब से देख रहा हूँ। मैं 16 का हूँ, मैं जब तक था मैं 13 का तब से आपको देख रहा हूँ कंटिन्यू। अरे मेरे भाई, लव यू यार, बहुत प्यारा लगता है यार आप। मतलब मैं ट्रिगर भैया को नहीं, मैंने आपको देख के शुरू किया, फिर मैंने पता डिंपल आंटी के ब्लॉग देखता था मैं धीरे धीरे, और पता उनको एडिक्टेड हो गया उनके ब्लॉग, पता नहीं क्या है जादू है अपना बना दिया सच्ची में यार। मैं तुम्हें जेन्युइन बताऊं, यही यही प्यार है जो मतलब देख के ना मेरे ऐसे, मैं जेन्युइनली इमोशनल हो जाता हूं। मैं देखता हूं कि तुम लोग इतना प्यार दे रहे हो ना, कि अब लास्ट तुम व्यूज भी देखोगे ना डिंपल मेलन ब्लॉग्स पे, ऐसे तो भाई सी मचा रखी है तुमने। पता नहीं ऐसा लगता है मैं घर पे ही हूं, अपनापन लगता है उनका व्लॉग देखता हूं ना। हाँ मेरी मम्मी है, मतलब ऐसी, मतलब ऐसा ही फील होता है, नहीं यार, जो ऐसा फील नहीं होता, ऐसा लगता है अपनापन ही है सारा का सारा। क्या बात है यार, थैंक यू सो मच यार, आपने पूरा का पूरा आपको खुश यार। मेरे को तो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ तुम्हें ना, मैं अभी इमोशनल स्टोरी थोड़ी सी। क्या हुआ, मैं घर आया तो मेरा एक फ्रेंड आया मुझसे मिलने, तो वो मुझे बोलता, कहता भाई मैं तुझे बस, मैंने पूछा मैं कि मैंने बता मैंने ना कैसा परफॉर्म करा, तो वो कहता यार तो कभी कभी ऐसा होता है आप बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग लेके आते हो और आप वहां पर आके जीत जाते हो शो इररिस्पेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस। तो वो मैंने किसी को टारगेट करते नहीं बोलता, मेरे को एक्चुअल नहीं पता भाई स्टैन ने कैसा परफॉर्म करता, क्योंकि वो सीजन मैंने देखा ही सिर्फ, मेरे लिए तो शायद स्टैन उस सीजन का बेस्ट परफॉर्मर था क्योंकि मैंने देखा ही स्टैन की वजह से था। और मैंने मेरी लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर जाओगे तो मैंने शायद 10 से 12 वीडियो सिर्फ स्टैन के नाम पे बनाई थी, और लोगों ने प्योर। अगर कोई बॉन्ड डे वन से डे, मतलब एज अ ऑडियंस जैसा हमने बाहर देखा, हम बिग बॉस काफी साल उसे देख रहे हैं, तो एक चीज मैंने नोटिस किया, मनीषा के साथ जो आपका बॉन्ड घर में सबसे बेस्ट और प्योरेस्ट बॉन्ड अगर इस सीजन का था, वो आपका और मनीषा का था, तो आई होप वो कंटिन्यू रहे। बाकी जयशंकर के साथ भी ठीक है। एक बस मैं बॉन्ड इसके मनीषा का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मनीषा के साथ डे वन से आपको जो बॉन्ड था बहुत ही प्योर बॉन्ड था, तो आई होप हम आप दोनों को फिर से फ्यूचर में देखें एक साथ थैंक यू कहीं। मेरे भाई, थैंक यू सो मच। देखो मैंने यही बात बोली सबको कि ना, आज मेरा यही ट्वीट था जिसका बेसिकली मैं यही चाहता था कि यार किसी को ना हेट ना दिया जाए। मैं जैसे आती अपनी जब मैंने बात शुरू करी, मैंने क्या बोला कि भाई मैं इस फैमिली से आता हूँ कि हम ना किसी को हेट देना चाहते हैं और ना हम किसी को, हम चाहते हैं कि हेट मिले फर्स्ट ऑफ ऑल, और हमें भी ही हेट बिल्कुल नहीं पसंद, हम चाहते हैं प्यार से सारी चीज़ें चलें। तो मैंने यही बोला था कि देखो मैंने मनीषा के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है डे वन से, और शी इज़ वेरी स्पेशल टू मी। एंड जिया के साथ इन दी टूवर्ड्स दी एंड हमने टाइम स्पेंड करना चालू करा, इनिशियली तो हमारी लड़ाइयाँ ही, मतलब वी मिसअंडरस्टूड ईच अदर कम्प्लीटली, हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे, बहुत कम बात करते थे, काम काम की बात करते थे। बट टूवर्ड्स दी एंड मैंने ये रियलाइज करा कि उसको, उस लड़की को भी बहुत लाइक मिसअंडर अच्छे दोस्त हैं, और आई होप हमारी दोस्ती हमेशा ही अच्छी रहे और हम बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स करें और आप लोग उनको बहुत अप्रिशिएट करो। पाजी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मतलब आपका फैंडम है बहुत बड़ा।